मंडली जिला चिकित्सालय में जर्जर हो चुके आवास और गंदगी के बीच रहने को मजबूर स्वास्थ्यकर्मी। वर्षों पुराने बने आवास में रहने को मजबूर स्वास्थ्यकर्मी कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। खुद अपनी जर्जरता को बयां करते आवास। अंधेरी नगरी चौपट राजा हादसे के इंतजार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डरे सहमे रहते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। दरार पड़ी छत टूटे, बालकनी टूटे, बर्जे और दीवारों को अपनी जकड़ में ले रखे हैं पेड़। हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। आवास के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, बज बजाते नाली के बीच रहने को मजबूर स्वास्थ्यकर्मी। जर्जर आवास और गंदगी की शिकायत को लेकर पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी तो SIC ने कहा, क्यों रहते हो वहां, जाकर कहीं और रहो। SI रीता दुबे ने नगर पालिका और सर्वेक्षण के नाम पर पल्ला झाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधु श्रीवास्तव। में तो कोई रहता नहीं होगा, है नहीं रहता है। मंडली जिला चिकित्सालय में लगभग 40 से 50 वर्षों पुराना नर्सेस आवास जो काफ़ी जर्जर और खस्ता हाल हो चुके हैं, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और अभी कुछ स्टाफ लोग आए थे भाई शिकायत लेकर, तो ये शिकायत का संज्ञान लेते हुए अभी हम शासन से और CO साहब से ही बात करते हैं कि ऐसा क्या है। अगर ये ठीक होने लगे, इसकी मरम्मत करी जाएगी, नहीं तो शासन को लिख दिया जाएगा, इसको डिमोलिश करा दिया जाएगा जब रहने की स्थिति में नहीं। उसके लिए क्या उचित कार्रवाई की जा सकती है, क्या रहने की व्यवस्था की जा सकती है? अभी तो पहले एक बार सर्वेक्षण करवा लिया जाएगा कि अगर रहने लायक है तो उसको रिपेयर करा दिया, नहीं है तो उसको फिर डिमोलिश करा के उसकी जगह पर नया बनेगा। इसके लिए लेकिन समय चाहिए। आवास के चारों तरफ गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, दिखा लेते हैं। इसके साफ सफाई की व्यवस्था तो नगर पालिका का है, तो उसको दिखा लेते हैं कि ऐसा है, साफ सफाई की नहीं।